बिहार के मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा के बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी अर्जुन राम से हमारे संवाददाता अभि कुमार श्रीवास्तव ने 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तो आज सकरा है ना, आत्मनिर्भरता और विकास एकदम ऐना की तरह झलकता और दिखता। सकरा का में अपराध कहा है जी? अपराध सकरा में, सकरा तो अपराध मुक्त है, अपराध तो नहीं है लेकिन भ्रष्टाचार तो है, हम यह मानते हैं। लेकिन इन्हीं लोग के द्वारा कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी प्रशासन बिल्कुल अपराध मुक्त सकरा को बना रखा है। 5 वर्षों में यह सकरा अपराध मुक्त रहा है और ऐसी छोटी छोटी घटना तो भाई राम राज में भी माता सीता का भी हरण हो गया। तो चलिए, आप यहाँ के प्रबल दावेदारी हैं बीजेपी से, सकरा से जी, तो मैं आपको अगर मौका मिलता है तो आपका क्या एजेंडा रहेगा इस सकरा विधानसभा? अगर मुझे मौका मिला तो मैं सकरा को आत्मनिर्भर सकरा बनाने का मैं संकल्प लिया हूं, क्योंकि माननीय मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। मैं सरकार के और पार्टी के पद चिन्हों पर चलकर मैं कहता हूं कि मैं सकरा को आत्मनिर्भर सकरा बनाऊंगा। हमारे यहां सकरा में अच्छी स्कूल नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है लोगों को, बच्चे लोगों को। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ एक अच्छे अस्पताल नहीं है, क्या करेंगे, इस पर काम करेंगे? देखिए, हमारे सकरा में संसाधन की कमी नहीं है। सकरा विधानसभा क्षेत्र में अभी सकरा में रेफरल अस्पताल है, मुरौल में है और उप केंद्र भी है कई पंचायतों में। मैं इस सब को मैं सुचारू ढंग से चले इसके लिए मैं व्यवस्था करूंगा कि नियमित डॉक्टर बैठे, नियमित हमारे सकरा की जनता का इलाज हो, इसके देखभाल के लिए मैं निगरानी कमेटी में बनाऊंगा और प्रखंड से लेकर थाना तक इस सब में भ्रष्टाचार मुक्त मेरा सकरा हो, इसके लिए भी मैं अपने स्तर से, पार्टी के स्तर से नहीं, अपने स्तर से भी मैं इसके लिए एक निगरानी टीम हम बनाएंगे जो सकरा प्रखंड थाना को, रेफरल अस्पताल को और प्रखंड शिक्षा प्रखंड के जितने भी कार्यालय है उस सब कार्यालयों को देख रेख करने के लिए मैं अलग से इसके लिए मैं आदमी रखूंगा और सब पर मेरा ध्यान रहेगा। एक एक न्यूज डेली हमें प्राप्त होगा और मैं उस न्यूज को क्रियान्वयन करने का मैं प्रयास करूंगा और हल ढूंढूंगा कि यहाँ सकरा में भ्रष्टाचार मुक्त सकरा बने। जनता के पास जाते हैं, क्या आश्वासन मिलता है, क्या देते हैं, क्या मुद्दों के साथ क्या मुद्दे? देखिए, सकरा की जनता बहुत जागरूक है और सकरा की जनता ने संकल्प ले लिया है कि मुझे नेता नहीं, सकरा का सेवक चाहिए, सकरा का बेटा चाहिए और सकरा का भाई चाहिए, सकरा का मित्र चाहिए। आज पूरे सकरा के नौजवानों में बहुत जोश खरोश है, युवाओं में बहुत जोश खरोश है और जनता भी मन बना रखी है कि मुझे बाहुबली नहीं, धन पशु नहीं, मुझे सकरा का सेवक चाहिए और सेवक के रूप में आज पूरे सकरा के तमाम जनता के दिलों में मैं हूं और सकरा के जनता ने मन बना लिया है कि मैं इस बार
सकरा विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाऊंगा। जनता सकरा की आप ही को क्यों वोट देगी? क्योंकि मैंने 5 वर्षों में अमन चैन मैंने त्याग दिया और सकरा के जनता के साथ मैं आज 5 वर्ष में कदम मिलाकर मैं उनके साथ रहा हूं। यहां कोई भी या वो एक्सीडेंट में या डूब कर या किसी पर का या जल गया हो या कोई बीमार हो, हम सकरा से लेकर मुजफ्फरपुर के जितने भी अस्पताल है, प्राइवेट नर्सिंग होम, वहां पहुंचकर उनको मैं सेवा देने का काम किया हूं और गरीबों को बेपैसा कौड़ी का मैं वहां से डिस्चार्ज कराकर सकरा भेजने का काम किया। इतना ही नहीं, गरीबों के लिए बे नंबर के बिना फीस के डॉक्टर से दिखवाए, अगर दवा के लिए पैसा नहीं है तो एमआर द्वारा जो सिंबल का दवा दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा उन गरीबों के लिए है ना दवा भी मुफ्त में दिलवाए। और रहा ये प्राइवेट नर्सिंग होम का और सरकारी जितने भी अस्पताल है या वो सकरा का रेफरल ये अस्पताल हो, सदर ये अस्पताल हो, मेडिकल हो, यहाँ से लेकर या पीएमसीएच हो या वो एम्स दिल्ली पटना से लेकर दिल्ली तक, मैं सकरा के जनता को सेवा इलाज के रूप में उनके रहने ठहरने खाने का दिल्ली में भी मैंने व्यवस्था किया है। और हम बता दें कि अगर किसी भी जनता को पैर टूट जाता है, किसी को बुखार होता है तो अर्जुन राम के घर पर पहुंचकर उनका हाल चाल लेता है, उसके दुख दर्द में सम्मिलित होने का काम करते हैं और उनके घर में भी झगड़ा लड़ाई होता है, गांव मोहल्ला में झगड़ा लड़ाई होता है तो हम कहते हैं कोर्ट कचहरी कोई नहीं जाएगा, हम घर का झगड़ा गांव में बैठकर उसको निपटाते हैं, कोर्ट कचहरी से रोकते हैं। और इतना ही नहीं, कोर्ट कचहरी से रोकते भी हैं और दोनों को मिलाकर प्रेम और भाईचारा प्रेम और भाईचारा बनाने का काम करता हूं। उन सामाजिक एकता सामाजिक भाईचारा बना रहे गांव समाज में, इसलिए इस दृष्टि से मैं लोगों को जो उचित न्याय होता है ना वह मैं न्याय दिलाकर और दोनों को गले मिलाकर है ना प्रेम भाईचारा का रिश्ता कायम करता हूं। आपकी जिम्मेदारी पक्की है? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी के रूप में मैं सकरा में काम कर रहा हूं और पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है, पार्टी का भी मैं प्रचार घर घर में पहुंचाया हूं। पार्टी के सारे कार्यक्रम सम्मेलन से मीटिंग से लेकर सम्मेलन तक, बैठक तक, बूथ स्तर तक मैंने काम किया हूं और सकरा के पूर्व प्रत्याशी होने के नाते जो भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा जो दायित्व दिया गया वह प्राथमिक सदस्य हो या सक्रिय सदस्य हो, आजीवन सहयोग निधि हो, विशेष निधि हो या सकरा विधानसभा का सम्मेलन हो या विस्तारक लोगों का सम्मेलन हो या शक्ति केंद्र का हो या सप्त ऋषि कमिटी का गठन हो, मैंने सारा चीज मैंने हम लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर है ना इस काम को अंजाम दिया है। इनका कहना है कि सकरा विधानसभा में वर्तमान विधायक विकास की गाड़ी आगे नहीं ले जा सके, जनता इन्हें अगर मौका देती है तो ये सकरा को एक स्वच्छ सकरा बनाएंगे, यहाँ में रोजगार का व्यवस्था करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित लोगों को हर तरह से सुविधा मुहैया कराएंगे। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, मुजफ्फरपुर, TV1 इंडिया न्यूज़।